प्रश्न और उत्तर। पूज्य कबीर परमेश्वर कबीर देव जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना। प्रश्न पहला, ब्रह्मांड का रचयिता कौन है? उत्तर, सभी पवित्र धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माता यानी रचयिता सर्वोच्च और शक्तिशाली परमात्मा कबीर साहेब जी हैं। वह अविनाशी हैं, उनका मनुष्य जैसा रूप है और उनकी शक्तियाँ असीमित हैं। प्रश्न दूसरा, कबीर सागर में काल ब्रह्मा और दुर्गा जी की उत्पत्ति के बारे में क्या लिखा है? उत्तर, पवित्र कबीर सागर के अनुसार भगवान कबीर जी ने काल ब्रह्म को पानी की एक बूंद से अंडे के रूप में बनाया। फिर उसके बाद जिस आत्मा ने ब्रह्म काल के साथ जाने के लिए सबसे पहले हाथ उठाया था उसको स्त्री का रूप दिया, अर्थात वह प्रकृति दुर्गा कहलाए। इस तरह ब्रह्म काल और दुर्गा जी की रचना परमेश्वर कबीर जी ने की थी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें पुस्तक ज्ञान गंगा, जिसमें सृष्टि रचना की पूरी जानकारी बताई गई है। प्रश्न तीसरा, काल ब्रह्मा व दुर्गा जी तथा अन्य आत्माओं को शाश्वत निवास स्थान सतलोक से क्यों निकाला गया? उत्तर, घोर तपस्या करके ज्योति निरंजन ने कबीर साहेब जी से 21 ब्रह्मांड और 5 तत्व प्राप्त किए। ज्योति निरंजन ब्रह्म जब तपस्या कर रहा था तो कई आत्माएं इसकी ओर आकर्षित हुई। उसके बाद एक आत्मा ने सबसे पहले इसके साथ जाने के लिए हाथ उठाया और उसे परमेश्वर कबीर साहेब जी ने अष्टांगी दुर्गा बना दिया। इसके अलावा जिन अन्य आत्माओं ने काल के साथ जाने के लिए सहमति दी उन्हें दुर्गा जी के अंदर बीज रूप में प्रवेश कर दिया। लेकिन काल ब्रह्म ने दुर्गा जी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, उसके बाद दुर्गा जी ने उसके मुख के द्वार से उसके पेट में शरण ली। फिर दुर्गा जी ने अपनी मदद के लिए भगवान कबीर साहेब जी से प्रार्थना की। लेकिन सतलोक के पवित्र स्थान में इस पाप के कारण भगवान कबीर साहेब जी ने काल ब्रह्म और दुर्गा जी और अन्य आत्माओं को सतलोक से निकाल दिया। यही प्रमाण कबीर सागर में भी है। पहले कीन्ह निरंजन राय, पीछे से माया उपजाए, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा, कामदेव धमर राय सत्ताए, देवी को तुरथी धर खाए, पेट से देवी करी पुकारा, साहेब मेरा करो उबारा, तेर सुनी तब हम तहां आए, अष्टंगी को बंद छुड़ाए, सतलोक में कीन्हा दुराचार्य काल निरंजन दिन्हा निकारी, माया समेत दिया भगाए 16 संख कोस दूरी पर आए। प्रश्न चार, काल के 21 ब्रह्मांड शाश्वत निवास स्थान सतलोक से कितनी दूरी पर हैं? उत्तर, काल के 21 ब्रह्मांड को शाश्वत निवास स्थान सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर निकाल दिया गया था, जैसा कि भगवान कबीर साहेब जी की वाणी में कहा गया है, सतलोक में कीन्हा दुराचारी काल निरंजन दिन्हा निकारी, माया समेत दिया भगाई 16 शंख कोस दूरी पर आए। प्रश्न पाँच, काल ब्रह्म और दुर्गा जी का क्या संबंध है? उत्तर, सतलोक से निकाले जाने के बाद काल ब्रह्मा को दुर्गा जी के साथ दुर्व्यवहार करने से रोकने वाला कोई नहीं था। उसके बाद काल ब्रह्मा ने पति पत्नी का रिश्ता स्थापित करते हुए दुर्गा जी के साथ संभोग किया। भगवान कबीर जी की वाणी इसी बात का प्रमाण देती है, अष्टंगी और काल अब दोई मंद कर्म से गए बिगोई, धर्मराय को हिकमत कीन्हा, नख रेखा से भंग कर लीन्हा, धर्मराय किन्हा भोग विलासा, माया को रही तब आशा। प्रश्न छह, परमेश्वर कबीर जी की वाणी के अनुसार ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई? उत्तर, काल ब्रह्म तथा दुर्गा जी के संयोग से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी तथा तमोगुण शिव जी। इसका प्रमाण भगवान कबीर साहेब जी की पवित्र वाणी में भी है, धमर्राय किन्हा भोग विलासा, माया को रही तब आशा, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, 3 देव विस्तार चलाए, इनमें ये जग धोखा खाए। प्रश्न सात, ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी तथा अन्य प्राणी भी काल ब्रह्म और पूर्ण परमात्मा के बारे में क्यों नहीं जानते? उत्तर, काल ब्रह्म द्वारा किए गए घोर पाप के कारण उसे प्रतिदिन 100,000 मानव शरीर खाने और प्रतिदिन 1.25 लाख उत्पन्न करने का दंड मिला हुआ है। यही कारण है कि इसने अपनी सच्चाई अपने पुत्रों ब्रह्मा विष्णु और शिव और अन्य आत्माओं से भी सच्चाई छुपा रखी है। काल ब्रह्म ने आत्माओं को जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाए रखने के लिए परमेश्वर कबीर साहेब जी का ज्ञान भी छुपा दिया, जैसा कि भगवान कबीर जी की वाणी से स्पष्ट है। फिर काल ब्रह्म ने सबसे छुपकर रहने का संकल्प ले लिया, 3 देव विस्तार चलाए, इनमें ये जग धोखा खाए, पुरुष गम्य कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे, 3 लोक अपने सुदीन हा, सुन्न निरंजन बासा लीन हा, अलग निरंजन सुन्न ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना, 3 देव सो उनको धावें, निरंजन का वे पार ना पावें, अलख निरंजन बड़ा बट पारा, 3 लोग जीव कीन हहारा।